हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना पुराना ईमेल आईडी जो है वो चेंज करके नया ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, बट आप ये भी चाहते हैं कि जो पुराना ईमेल आईडी है उसके जो मेल्स हैं, क्योंकि वो आपने बहुत जगह पे दे दिए हैं, तो उस पर जो मेल्स हैं वो बेसिकली आपके नए ईमेल आईडी पे आना चाहिए। तो कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है जो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पुराना ईमेल आईडी है ना, बेसिकली पुराने ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा। सेटिंग में आने के बाद आपको सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सारे सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे आपको दिखेगा फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस। अभी बेसिकली आपको क्या करना है, आपने जो नया ईमेल आईडी बनाया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। तो क्या होगा, आपके जो पुराने ईमेल्स हैं ना, पुराने ईमेल आईडी के जो ईमेल्स हैं वो भी आपको नए ईमेल आईडी पे देखने को मिल जाएंगे। कैसे करना है यहाँ पे हम देखते हैं। आपको क्या करना है, ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, जो नया वाला ईमेल आईडी जो आपने बनाया है उसका यहाँ पे एड्रेस दे देना है। मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे एक नया टैब ओपन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टैब जैसे ही ओपन होगा ये क्या बोलेगा कि फॉरवर्डिंग ईमेल्स टू satyaprajapati97@gmail.com। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रोसीड। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद एक मेल जाएगा। कहाँ पे जाएगा, जो हमने मेल डाला है ना उस पर एक मेल जाएगा। तो हम वो मेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीमेल टीम से यहाँ पे एक मेल आया हुआ है। और ये मेल बेसिकली क्या कह रहा है, ये मेल ये कह रहा है, वन सेकेंड ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। अभी ये मेल क्या कह रहा है कि जो एक ईमेल आईडी है कॉमर्स वाले जो चाहते हैं कि वो अपने मेल्स को यहाँ पे फॉरवर्ड करें, तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन कोड मिलेगा, वो कोड बेसिकली आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन जो कोड है वो यहाँ पे आपको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम वापस सेकंड वाले मेल पे जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो लिंक है ना इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस इनबॉक्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्डिंग जो है वो लग चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आपके जो ईमेल्स है वो इस पर भी आएंगे। अभी हम वापस पुराने वाले ईमेल आईडी पे जाते हैं। पुराने वाले ईमेल आईडी भी जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल्ड फॉरवर्डिंग अभी तक है। हमको क्या करना है, इनेबल करना है। अभी इनेबल कर देंगे तो ये बोलेगा कि आपको जो भी ईमेल्स हैं अभी इस वाले ईमेल आईडी पे जाएंगे, एंड उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। दैट मीन्स कि जो आपके ईमेल्स हैं उसका कॉपी आपके इस मेल में भी रहना चाहिए, या फिर इस मेल में इस मेल में मार्क एज रीड करके रहना चाहिए, या फिर आर्काइव ईमेल्स कॉपी हो जानी चाहिए, या फिर ये सबसे डेंजरस है, क्या है ये, डिलीट ईमेल्स कॉपी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी जो पुराने वाले पे ईमेल्स आएंगे वो यहाँ से तो डिलीट हो जाएंगे, बट दूसरे वाला मेल जो आपने फॉरवर्डिंग मेल डाला है उस पर आपको मेल देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट वाला करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आपने फॉरवर्ड कर दिया इस ईमेल आईडी पे। ये जो है 7 दिन तक रहेगा ऐसे ही, उसके बाद ये नोटिस को हटा देंगे। और ये इसलिए रहता है, फॉर एग्जांपल आपके ईमेल आईडी पे कोई ऐसा कर रहा है तो आपको पता चलना चाहिए। अगर आप ईमेल खोलते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। ये पुराने वाले ईमेल आईडी पे दिख जाएगा आपको यहाँ पे, और नए वाले ईमेल आईडी पे भी दिखना चाहिए, बट मेजर केसेस में दिखते हैं, बट मेजर कुछ केसेस में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पुराना वाला चेक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने चेंज तो कर दिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो फॉरवर्डिंग मैंने किया है वो मैं कैंसिल कर दूँ। तो आपको वापस सेटिंग में जाना है, सी आउट सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड इस पे आना है और इसको आपको कर देना है डिसेबल। जैसे आप यहाँ पे डिसेबल फॉरवर्डिंग करेंगे और उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है डिसेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, बेसिकली ईमेल आईडी आप डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करेंगे तो डेफिनेटली उसके मेल्स तो नहीं आ पाएंगे, तो आपको डिलीट नहीं करना है, आपको सीधा मेल को फॉरवर्ड करा देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स वाली वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।